आज सारा देश दुखी है, सारा देश संस्तब्ध है। जो हमारी देश की एक बेटी जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी फाइनल तक, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम है। मुझे बताइए, जापान की वो महिला पहलवान जो 42 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, उसको हमारी बेटी विनेश फोगाट ने क्षणों के अंदर हरा दिया। जिसका बचपन से लेके आज तक का अजय रिकॉर्ड था, उसे देश की बेटी ने हरा दिया। इसके बावजूद भी के पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी, पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापिस आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज तीज है, हरियाली तीज। हरियाली तीज का ब्रज के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश में खासा महत्व रहता है। हरियाली तीज का मतलब कि चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ कहीं देखें तो सावन के झूले तो कहीं सावन की मल्हार, यानी कि सब तरफ से मन भावन आनंद और उमंग का मौसम, उमंग का उत्सव, उमंग का दिन। लेकिन आज का ये दिन हरियाणा वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए दुख का दिन बन गया, सदमे का दिन बन गया, परेशानी का दिन बन गया। कारण कि आज हमारे देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट, जिससे बड़ी उम्मीद थी देश को कि वो देश के लिए पहला स्वर्ण पदक ले आएंगी, सोना का पदक ले आएंगी, जिन्होंने कल ही सिल्वर मेडल लिया था, लेकिन आज वो ओलंपिक के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई। ओलंपिक खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको, और कारण कि वो 50 किलो वर्ग भार में रेसलिंग कर रही थी, जिस प्रतियोगिता के लिए गई थी वो पेरिस में ओलंपिक खेलने के लिए, लेकिन आज जब उनका वेट हुआ तो उसके अंदर वो 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा लगभग पाया गया। कुछ वेबसाइट्स उसे 100 ग्राम बता रही हैं, कुछ उसे 70 ग्राम बता रही हैं, कुछ 150 ग्राम बता रही हैं, यानी कि 100 ग्राम के आसपास उनका वेट 50 किलो से ज़्यादा मिला और इस बात पर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया। कल जब विनेश फोगाट को सिल्वर मिला था तो पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल था, पूरे देश को उम्मीद थी विनेश फोगाट के मायके से लेकर के ससुराल तक, और फिर तमाम देश भर के लोगों में उम्मीद थी कि विनेश देश के लिए, हरियाणा की बेटी देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आएगी। सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगाट ने जिस खिलाड़ी को हराया था, जिस खिलाड़ी को चित किया था, वो खिलाड़ी, वो रेसलर पूरे आज तक की, यानी कि विश्व विजेता थी, वो ओलंपिक विजेता भी थी, विश्व विजेता थी, जापान की वो लड़की जिसको कि विनेश फोगाट ने, जापान की वो खिलाड़ी जिसको विनेश फोगाट ने हराया था। और अब उसके बाद से पूरे देश के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चाएं चल रही हैं कि क्या विनेश के साथ में ये कोई साजिश तो नहीं हो गई, और इसके अंदर साजिश का एंगल ढूंढा जा रहा है कि आखिर अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। जो कुश्ती एसोसिएशन है, रेसलिंग एसोसिएशन, उसके जो प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह, आपको वीडियो में आगे चलूं तो उससे पहले आपको ध्यान दिलाना जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनको लेकर के भारत के अंदर क्या कुछ हुआ था, पहलवान बेटियों और खिलाड़ी बेटियों ने जो धरना आंदोलन सब कुछ किया था, वो आपको आज याद दिलाना भी ज़रूरी है। आपको ये याद दिलाना भी ज़रूरी है कि पूरे विश्व के अंदर जब खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे तो हमारे भारत की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट उस समय सड़क पर बैठ कर के आंदोलन कर रही थी अपने साथी खिलाड़ियों के लिए। व्यवस्था से लड़ाई चल रही थी, वो व्यवस्था से लड़ाई थी उनकी। और अगर आज मैं ये कहूँ कि जो चर्चाएँ चल पड़ी हैं तो उसके पीछे भी इसी लिए सब कुछ कहा जा रहा है और गहरी साजिश बताई जा रही है, और तमाम विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि इसकी गंभीर से गंभीर जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ। अगर ये ट्रेजेडी है, ये हादसा है, तो फिर तो कोशिश की जानी चाहिए कि विनेश जैसी बेटी के साथ ऐसे हादसे फिर ना हो। अगर ये कहीं कोई साजिश है तो फिर
साजिशकर्ताओं को आज का जयचंद माना जाना चाहिए, क्योंकि ये विनेश के खिलाफ साजिश नहीं है, देश के खिलाफ साजिश थी। खैर, हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये साजिश, हम तो यही कहेंगे कि उनको ओलंपिक में खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जिसको लेकर के आज भारत का हर खेल प्रेमी, हरियाणा का हर गबरू आज निराश है, हताश है, और सबके दिलो दिमाग में ये बात चली गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ज़रूरी है आपको बताना कि सबको लेकर के प्रतिक्रियाएँ क्या हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक के सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है, आपको मैं ध्यान दिला दूं कि जो खिलाड़ियों का आंदोलन चला था, जो रेसलर्स का, पहलवानों का, खिलाड़ी बेटियों का आंदोलन था, उसको दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब देश भर की और विदेशों की खिलाड़ी जो थे ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, तो विनेश फोगाट आंदोलन कर रही थी। आप सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। आज सारा देश दुखी है, सारा देश संतप्त है। जो हमारी देश की एक बेटी जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी फाइनल तक, जब सारी दुनिया के खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हमारी बेटी धरने की दरी पर बैठकर हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में मजबूर थी, फिर भी वो अपनी मेहनत से पहुँची। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं, जो पूरा देश पूछना चाहता था। आज मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया, वो तो केवल ये बताते रहे कि क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया इन बेटियों का अपमान करने के लिए, वो देश ने देखा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। एक और बात, कल तीनों बाउट, उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, कल ठीक था तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है, अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत शॉकिंग घटना है उनके लिए। आप देखिए ट्वीट पर क्या लिखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मैंने तो पहली दफा सुना ऐसा, क्या कारण हुए मैं कह सकता हूँ आकर, क्या है जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था, क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनके कारण बने। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया है। ओलंपिक संघ को इसमें कोई करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जब उनके उसमें गए। सर, जेडीयू ने एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बताया है कि विनेश को बाहर निकालने का, केसी त्यागी ने कहा है, बयान दिया है, और रिकॉर्ड की सरकार को इस पे दखल देना चाहिए और भारतीय ओलंपिक। मैं तो कह चुका देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में, उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद, इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपनी बातचीत में एजेंसी के साथ बातचीत क्या कहा, आप उसे भी सुनिए। अब मुझे बताइए, जापान की वो महिला पहलवान जो 42 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, उसको हमारी बेटी विनेश फोगाट ने क्षणों के अंदर हरा दिया, जिसका बचपन से लेके आज तक का अजय रिकॉर्ड था, उसे देश की बेटी ने हरा दिया। इसके बावजूद भी के पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी, पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापस आ जाओ। देश के प्रधानमंत्री स्वयं कोई और प्रधानमंत्री होता तो आज अपने खेल मंत्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के पास भेजता, विरोध दर्ज करवाता, दोबारा इसका एग्जामिनेशन होता, अगर कोई षड्यंत्र हुआ तो उसकी सारे की जांच होती और विनेश फोगाट को न्याय मिलता। ये सवाल विनेश फोगाट का नहीं, ये इस देश की हर बेटी, हर खिलाड़ी का है, वो पुरुष हो या महिला हो, जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, जो जी तोड़ मेहनत करता है दशकों तक, ताकि एक क्षण पर भारत का तिरंगा ओलंपिक के अंदर लहरा सके।
आज पूरे देश के खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने निराश किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी। दीगर बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोई एक्सपर्ट ट्वीट पोस्ट नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने कल कोई खुशी भी नहीं जताई थी जब विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिला था, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आती हैं वो सबको दिख जाया करती हैं। इसके साथ साथ आज देश के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पोस्ट किया ट्विटर पर, एक्स पर, और नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये हरियाणा का गौरव है हमारी बेटी। अब तमाम नेताओं की आप बाइट सुनिए, तमाम नेताओं ने जो कहा, उनके एक्स पर पोस्ट हुई, उन सबको आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, और हमारे इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि तमाम नेताओं ने, तमाम खिलाड़ियों ने, योगेश्वर दत्त की भी टिप्पणी आई, तमाम को देख सकते हैं आप। माडया जी, स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट जैसी होनहार बेटी, जिससे कि पूरे देश को उम्मीदें बन गई थी, मैं आपको फिर वही दोहरा रहा हूं कि जब कल सिल्वर मिला था तो पूरे देश में खुशी का, उत्साह का, जश्न का, जोश का, उल्लास का माहौल था, लेकिन आज वो सब ऐसा हो गया कि जैसे किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। हालांकि अब देश की सरकार कह रही है, देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी आज संसद के अंदर सब कुछ बताया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हम विनेश फोगाट पर ये खर्चा भी कर रहे थे, खर्चा भी गिनवाया उन्होंने। आज ये भी बताया कि हमने क्या उनको सुविधाएं दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज इस सब से हट करके, राजनीति से हट के, जो देश का युवा है, देश का खिलाड़ी है, या तमाम पक्ष विपक्ष के लोग चाहते हैं,
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे टच में हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पोस्ट में आया है कि प्रधानमंत्री जी टच में हैं पीटी उषा के, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी टच में हैं बता रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सिल्वर, क्योंकि जब सिल्वर मेडल लिया विनेश फोगाट ने तो उस समय उनका वजन नहीं हुआ था, और ये तय नहीं किया जा सकता कि क्या उन्होंने 50 केजी कैटेगरी में जो खेला था वो उसमें क्वालिफाई है कि नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पदक तो जीत लिया और जीतने वाले का उस पर हक होता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी पूरी पैरवी करेगा, भारत सरकार इसकी पूरी पैरवी करेगी, क्योंकि ये देश की बात है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जो चल रहा है सब कुछ, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट आ रही हैं और तमाम जगह आप देख सुन पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट के साथ में कोई हादसा ट्रेजेडी है और या इसके पीछे कोई साजिश भी नजर आ सकती है? आपको क्या लगता है कि जैसा माहौल बन गया था खासकर रेसलर्स के लिए, और जो जिस समय पर तमाम खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे और भारत के खिलाड़ी आंदोलन कर रहे थे, क्या ऐसी व्यवस्थाएं होना ठीक है? और क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि वो खेलों के अंदर राजनीति के दखलंदाजी को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करें? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।